Hello guys, welcome back in Reel Zone. This is Manu. And actually, we are going to react on rasode mein kaun tha. Saath dibane saath yahan pe roast. By trigger insaan. To dosto rasode mein kaun tha? Pata chal gaya hame. Shut up. I'm not in rasoda. Bahut Rashi thi. Tum nahi the. I'm Rashi thi. I'm not Rashi. So dosto yaar, let's check it out. Isme trigger insaan ne apna kya dala yaar? हर कोई अपना डाल रहा है इसमें ट्रिगर बहुत ट्रेंड पे है ये रसोड़े वाला जो चल रहा है तभी तो रोहित इतने मुझे मैं पहले भी बता चुकी हूँ मुझे इतने ज्यादा मतलब मैसेजेस आते हैं चीजें आती है राशि 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 चलो लेट्स सी जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था वहां कौन था कौन था मैं थी तुम थी मैं थी तुम थी कौन था क्या हाल है क्या कर रहे हो अरे पूरे दिन बैठा न्यूज देखते रहते हो जीजू आप भी रसोड़े में कौन था और फिर रसोड़े में कौन था रसोड़ा मुझे क्या पता कौन था रसोड़ा 12 seconds later मम्मी खाने में क्या बना रहे हो खाना वाना छोड़ पहले ये बता रसोड़े में कौन था इसकी मम्मी कितनी खुश हो रही है आप भी इधर रसोड़े में आप खड़े हो आप ही होंगे शायद मुझे क्या पता कौन था रसोड़े में यार आप भी हद्दी हो गई few inches later रसोड़े में कौन था साढ़े पापा से पूछो कौन था रसोड़े में 3:28 AM निश्चित निश्चित मेरी बात सुनते बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछना प्लीज अरे यार खड़ा हो जा उठ जा अगर तू नहीं बताएगी ना इतना क्वेश्चन का आंसर तो पता है भूचाल आ जाएगा कुछ बोल सकते प्लीज उठ यार क्या हो गया क्या हो गया यार तेरे को पता है रसोड़े में कौन था क्या हो गया रसोड़े में कौन था क्या बोली जा रहे हैं ये किसका फोन आ रहा है हेलो नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से आई बच्चन सर बिग फैन सर बधाई हो आप जीत चुके हैं घर बैठो लखपति कॉन्टेस्ट और अगर आप सिर्फ एक सवाल का जवाब सही देंगे तो आप जीत सकते हैं 1,00,000 रुपए तो क्या आप तैयार हैं हाँ सर तैयार हूँ तो आपका प्रश्न है ये रसोड़े में कौन था रख रख तेरी माँ की रख जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था रसोड़े में कौन था एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने कि रसोड़े में कौन था हमें ये जानना जरूरी है कि रसोड़ा कहाँ था रसोड़े का निजात कहाँ पे हुआ इजात व्हाटएवर इट इज तो आइए चलते हैं हम एक ऐसे टीवी सीरियल की गहराइयों में जिसमें मरे हुए लोगों पे चिल्ला चिल्ला के उनको जिंदा कर दिया जाता है आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आइए देखते हैं हम ये वाला सीन तो हमारे सीरियल की हीरोइन गोपी बहू जो है वो है कोमा में एंड डॉक्टर्स तक हाथ खड़े कर चुके हैं अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की लेकिन इसके बाद हमारे सीरियल के हीरो अहम जी वो डिसाइड करते हैं कि बेशक डॉक्टर्स नल्ले हैं और उनकी बीवी को जिंदा नहीं कर सकते लेकिन अहम जी ने 5 years का कोर्स कराया वो एक्सपर्ट है उनको मरे लोग जिंदा करने आते हैं एंड इसके बाद अहम जी करते हैं कुछ ऐसा गोपी ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है गाइस ये क्या हो रहा है आईसीयू में वेंटिलेटर पे मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा के हाथों में सुइयां डाल के मरी पड़ी है उससे पूछ रहे ये क्या हो रहा है भाई वो ना चिल कर रही है उसको हॉलीडे मनाने का मन कर रहा था तो यहाँ बस ऐसे ही हॉस्पिटल में आके लेट गई है और वो कपड़े तो बस फैशन शो के लिए पहन रखे उसने ये क्या हो रहा है मतलब कुछ भी तुम कब तक सोती रहोगी वो भी मेरी बिना इजाजत के
मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? नहीं, हम मरने के लिए भी तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ गाइस मारो, जोर जोर से मारो, अरे तालियां मारो यार, इस बंदे के लिए तालियां मारो। सच सेल्फ सेंटर्ड मैन यार, इसकी बीवी वहां पे मरी पड़ी है और इसको अपनी चाय की पड़ी हुई है। कॉपी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो और मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। एंड गाइस, तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। अहम जी की इतनी कमाल की ट्रीटमेंट के बाद गोपी बहू सच्ची में होश में आ जाती है। This is beyond science. डॉक्टर्स बेचारे इतनी मेहनत करके डॉक्टर्स बनते हैं, पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद 5 साल की ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद 5-10 साल की प्रैक्टिस, इतना पैसा, मेहनत, टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट करके बेचारे डॉक्टर्स बनते हैं, क्यों? क्यों? अहम जी से सीखो ना। कॉपी उठाओ। तुम्हें पता है अगर एंड गेम में अहम जी होते ना तो आज हमारा फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन जिंदा होता। अहम जी उसको भी बोलते उठ उठ टोनी उठ, उड़ जाता यार वो। ये वही सीरियल है अगर आपको याद होगा जिसमें लैपटॉप को कुछ इस तरीके से धोया जाता है। यार इन लोगों ने गोपी बहू को इस शो में अनपढ़ दिखाया था। मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी इलिटरेट क्यों ना हो, यार इंसान को इतना जरूर पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को पानी से दूर रखते हैं। अरे एक कुत्ते बिल्ली तक को पता होता है यार, ये लैपटॉप को ऐसा कपड़ों की तरह सूखने के लिए टांग रखा है। भगवान, मतलब शो बनाना है तो हम कुछ भी दिखाएंगे क्योंकि ऑडियंस तो बेवकूफ है, हम तो गधे हैं। सो गाइस, यही गोपी बहू, ये महा बेवकूफ इलिटरेट गाय जैसी गोपी बहू जो अभी लैपटॉप को धो रही है, 8-10 हजार एपिसोड्स के बाद शक्ल बदल के अपनी सास को धोती है। गोपी बहू, बहू। वो उसकी बहू नहीं होती, वो ये मतलब ये वो नहीं होती। ए गोपी बहू, ओपी गोपी बहू, ओपी इन द चैट गाइस, ये गोपी बहू। और बात, एक और मेरी तरफ से भी। और अब थप्पड़ों की बात हो रही है तो इस शो में कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी को भी थप्पड़ मार देता है। मतलब यहाँ पे थप्पड़ों का आदान प्रदान इज वेरी कॉमन। और इतना ही नहीं, कभी कभार तो डांसिंग थप्पड़ भी मारते हैं। और इस सीरियल की सबसे वाहियात बात, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड में म्यूजिक धूमता ना 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 ना। अरे यार बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए, ये कैमरा सामने की जगह साइड में क्यों है? वो फोन में सिर्फ 2% बैटरी, ये माइक उल्टा क्यों है? ये वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट से ऊपर हो गई। And now guys, it's time to find out कि रसोड़े में कौन था, और रसोड़े में था मैं, के सच सच जवाब दो। नहीं नहीं जादू तू नहीं, रसोड़े में राशि बहन थी। ये राशि थी, सीन कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। जी हाँ गाइस, रसोड़े में राशि बहन थी। अभी मेरे को किसी ने कमेंट, ईमेल, डीएम या कुछ भी करके पूछा ना कि रसोड़े में कौन था, मुझसे भी किसी ने पूछा, ट्राई कर लूंगा मैं। एनीवेज गाइस, तो वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज अभी लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, ठीक है? एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड वेरी सून वो एक वीडियो जिसकी आप सब वेट कर रहे हो वो आने वाली है वेरी सून, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम किसका वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो पर वेट कर रहे हैं। सीरियसली, जैसे कि ट्रिगर इंसान ने कहा, अगर अब मुझसे किसी ने पूछा कि रसोड़े में कौन था, मैं बहुत मारूंगी। यार रसोड़े में था कोई ना कोई, मैं सोच रहा था वो सॉन्ग चला लूं, मैं ये सोच रहा था कोकिला पेन रैप सॉन्ग है कॉकी, चला देखोगी तुम? मेरे को बड़ा पसंद है, देख के इरिटेट हो चुकी हूं, I don't want to see this। सिर्फ उस
पार्ट पे रोस्ट होगा बट ये पूरे सीरियल पे रोस्ट बना दिया सही था। और मैंने ये पूरा सीरियल देखा, मैं बता रहा हूँ मुझे एक एक पता है वो बता सकते हैं। जब तुमने बोला कि वो असली क्या थी, असली नहीं भी नहीं थी कोकिला, असली नहीं थी वो, उसने वो चेंज हो गई थी, वो उसकी बहन थी वो कोकिला की, वो सेम शक्ल की थी और है ना सीरियसली उसको जो थप्पड़ लगते थे ना, मतलब पता नहीं मुझे नहीं पता, बचपन में बड़ा सुकून सा मिलता था यार कि वो बहुत गलत गली थप्पड़ मारो उसको मारो 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 ये मुझे नहीं पता था वीर की ये साइड तो मैंने पहली बार ऐसे देखी कि वीर को सीरियस में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। यार वो देखना पड़ता था ना, कुछ और था ही नहीं देखने के लिए, वो देखना पड़ता था। यू कैन प्ले गेम्स आउटसाइड, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन प्ले विद योर सिस्टर। ये आता था रात को 8 बजे खाना खाने के टाइम पर, खाना खाने के टाइम को पड़ता, वो टीवी चला उधर था, देखना ही पड़ता था। कुछ पार्ट देखे हैं बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हम लोग भी जैसे वीर बोल रहे हैं कि घर पे बैठ जाते थे, मॉम का सीरियल चल रहा होता था, और बहुत से सीरियल ऐसे हैं जो हम लोगों ने ऐसे देखे हैं, तो फाइन इट्स ओके। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बताइए, जैसे कि ट्रिगर इंसान ने कहा कि उसके एक वीडियो के लिए हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे, तो लेट्स सी वो वीडियो क्या है, और जैसे कि वीडियो आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें इस वीडियो पे रिएक्ट करना है कि नहीं करना। सो टिल देन नोबडी विल साइन आउट, बाय।